का जो हल्दी है वो ऐसे लगाया जाता है सभी को एकदम प्यार से। इस साइड भी सारे लोग लगाए हुए हैं, देखो भाई। तभी क्योंकि भीड़ यहाँ चालू नहीं है, माता का भी जो भोग लगेगा ना वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कार्यक्रम होता है। गाजे बाजे के साथ जब ला के वेलकम करते हैं, फिर माता का जो गेटअप डेली का चेंज होता है, अलग अलग गेटअप देते हैं उनको, जो उनका सिंगार रहता है वो डेली चेंज होता है। ये बहुत ही प्यारा, इतना अच्छे से सजाया गया और इसके जस्ट जितने भी आपको आजू बाजू में ये सभी जो स्टॉले दिख रही है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम अपने मायके में आए टाइप का लगता है। जितने भी झूले आपको दिख रहे हैं, ये झूले के अंदर है नहीं कोई, फिर भी उसको झूला के दिखा रहे कि आओ भाई थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ हमारे ऊपर और झूलो ऐसा करके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रायपुरियन शिपी चैनल। मैं शिवानी साहू आज आपको लेके आई हूँ WRS कॉलोनी में। पीछे यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे पंडाल वगैरह लगा हुआ है। ये वाला पंडाल दोस्तों सोलापुरी माता के लिए लगा हुआ है। ये वाला फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है यहाँ पे WRS कॉलोनी रायपुर में। और पीछे भी देख पा रहे हो बहुत अच्छे से लाइटिंग है। और आज दोस्तों मैं आपको पूरा ये दिखाने वाली हूँ, साथ ही साथ इसके मेला भी होता है इसके जस्ट पीछे साइड, तो वो भी अपन चलेंगे। ये बहुत ही प्यारा, इतना अच्छे से सजाया गया और इसके जस्ट जितने भी आपको आजू बाजू में ये सभी जो स्टॉले दिख रही है, ये सभी फूड स्टॉल है। इस साइड छोटे छोटे जो कान वान के हो गए, जो ऐसे छोटे छोटे स्टॉल है वो लगे हुए हैं इधर। जितना भी ये पंडाल लगा हुआ है इसी में है सोलापुरी माता, लेकिन अभी अपन को दर्शन नहीं कराया जाएगा क्योंकि अभी पर्दा वहाँ पे लगा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन नाच का माहौल होने वाला है, थोड़ा रात में यहाँ का माहौल जमता है क्योंकि रात में ही यहाँ का जो जो पर्दा है वो खोला जाता है, जो माता का पर्दा है वो, और उसके बाद ही सब कोई दर्शन कर पाते हैं, उसके बाद ही पूजा आरती आरंभ होता है। ये सभी 8 बजे 9 बजे के अराउंड होता है रात में, और अभी बच चुके हैं 7, तो इसीलिए मैं अभी आपको एक्सप्लोर करने वाली हूँ पूरा जो मार्केट है। मार्केट भी अच्छे से लग चुका है, कई लोग लगा रहे हैं अभी, और चलते हैं अभी सामने। मीना बाजार टाइप का है, देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे सामान रखे हुए हैं और झूला वगैरह भी बहुत अच्छे से है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है। भीड़ तो अभी एकदम कम है भाई, अभी भीड़ हुआ नहीं है। ये देखो भाई ड्राई आइस वाला, ये दे दे, दीदी खा भी रही है, भैया खा रहे हैं। तो स्मोकिंग पान आता है वो वाला है, बिल्कुल भी मत खाइएगा स्मोकिंग पान, और काफ़ी लोग का जान चला जाता है सिर्फ ड्राई आइस खाने से। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेला वगैरह लगाए हुए हैं, मीना बाजार टाइप का है ये पूरा, मीना बाजार टाइप का है ये पूरा। और पूरा देख पा रहे होंगे पूरा इस साइड भी स्टॉल है, इस साइड भी स्टॉल है, एकदम रंग बिरंगा जो जो सामान आता है ना वो सभी सामान यहाँ पे है। जैसे भाटा गाँव पे अभी लगा हुआ है, देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का बाजार है, पूरा लास्ट तक के लगा हुआ है कुछ इस तरीके का चीज़ है यहाँ पे। पूरा चूड़ी वूड़ी देख पा रहे होंगे आप, बहुत रंग बिरंगा यहाँ पे चूड़ी लगा हुआ है। और इस साइड क्या है भाई, देखो ऐसा वाला जो अपन देखते हैं पानी वानी में डाल दो तो फिर बड़ा हो जाता है, वैसा वाला है। इसके अंदर में जो है ये देख पा रहे होंगे आप, कितने का है भैया ये है? 10 रुपये का। ये पूरा पॉट कैसे दे रहे हो? 150 का, 150 पड़ेगा दोस्तों। ये देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन लग रहा है भाई, ये देखो एकदम बेहतरीन लग रहा है। ये वाला 10 रुपये का एक बोल रहे हैं क्या? अच्छा ये 10 रुपये का एक है भाई, खट्टी टॉफी खाई है वाला है भाई, ये सभी देख लो अच्छा है। बाकी इस साइड ऐसे डिब्बे में भी आता है, काफ़ी लोग ऐसे पसंद करते हैं उसको लेना। और ये है भाई नहीं, क्या चीज़ है एक बार बताएंगे? चूरन है, जयपुरी चूरन। क्या होता है उससे? डाइजेशन के लिए होता है। डाइजेशन के लिए सब जितने भी यहाँ पे दिख रहे सब सारे अलग अलग फ्लेवर में। अच्छा सब डाइजेशन को ही हेल्प करते हैं, अच्छा धन्यवाद। इस साइड देख पा रहे हैं लड़कियों का पूरा कलेक्शन रखे हैं भाई, पूरा बाजार ही है ये तो। इधर जूते चप्पल हैं बढ़िया सा, इस साइड पूरा सूट वूट है, इधर चश्मे वश्मे हैं देखो, बच्चों का बड़ों का सबका चश्मा रखे हैं भाई। ये देखो एकदम बढ़िया सा बॉडी दिख गया मुझे, अच्छा दिख रहा है ऐसे। 850 का है दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे 850, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है ये। बस ये सभी देख पा रहे होंगे इतना बढ़िया बढ़िया है ना, छोटा छोटा ये पूरा झूला है। इस साइड देख लो भाई इतना अच्छा अच्छा सामान, ये देखो एकदम बढ़िया सा साइकिल दिख गया। ऐसे सभी एकदम एस्थेटिक टाइप के साइकिल होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और सभी ये सभी यहाँ पे है, कितने कितने का है भैया ये रिक्शा देख पा रहे होंगे? 650 का है ये 450 का है। काफ़ी लोग ऐसा रखना पसंद करते हैं अपने अपने घर में, तो वो सभी ले सकते हैं ऐसा टाइप का। बहुत सारे सामान है, ये देखो जो ओखली अपन बोलते हैं वो भी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी, बहुत कुछ है। ये देखो एक्यूपंचर वाला है, इसको क्या यूज़ करते हैं भैया? एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर जो बोलते हैं वो वाला है ये। ऐसा सिर वीर में मालिश करने वाला कुछ है आपके पास? हाँ ये वाला है, देखो देखो इससे अपन सिर को मालिश करेंगे ना तो बाल आ जाता है उससे।
अच्छा ये एक और है, देखो कितने का भी है ये, हाँ 70 रुपए का एक। अच्छा 70 रुपए का है भाई, देखो एकदम मस्त है ये, देखो चप्पल एकदम बेहतरीन वाला चप्पल है भाई, इससे मसाज वसाज सब एक ही साथ हो जाना है चलते फिरते सब। ये देखो ये मालिश वालिश करने वाला जो बहुत सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। सामने ये झूला सेक्शन है, चलिए आइए वो दिखाती हूँ। ये पूरा इस साइड है दोस्तों, पूरा झूला वाला सेक्शन देख पा रहे होंगे, और ये सभी तो बच्चों के हैं। इधर भाई जितने भी झूले आपको दिख रहे हैं, ये झूले के अंदर है नहीं कोई, फिर भी उसको झूला के दिखा रहे कि आओ भाई थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ हमारे ऊपर और झूलो ऐसा करके। और ऐसा ही सेम पूरे झूलों का हाल है, अभी ज़्यादा लोग तो आए नहीं है, भीड़ भी कम है एकदम, और इसीलिए मेरा एनर्जी भी एकदम डाउन लग रहा है, ऐसा लग रहा है। यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक के पूरा ये एरिया कवर कर दिया, अब उसके बाद चलते हैं अभी अपन इधर। कौन सा वाला मिठाई है कमेंट में बताइएगा ज़रा। पेउस दूध है, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है, पेउस दूध तक यहाँ पे बिक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप आते हैं यहाँ सोलापुरी माता का दर्शन करने के लिए तो थोड़ा लेट में आइए, 8 बजे 9 बजे रात को आइए, तभी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अभी मैं इतना पहले से आई थी ना, 5 बजे से आई थी, मैं सब स्टॉल में जा जाके बात कर रही हूँ, जो मिल रहा है उससे बात कर रही हूँ, जो बंद पड़ रहा है उस वो कर रही हूँ, मैं इतना मतलब टाइम पास करना इतना मुश्किल हो गया ना। इस साइड देख पा रहे होंगे पूरा ये जो पंडाल लगा है ये अभी तक नहीं खुला है, और पता नहीं अभी कितना टाइम और लगेगा। तरीके का लीन टाइप का बिछाए हुए हैं पंडाल वगैरह जो है, बहुत ही प्यारा लगा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे इस साइड से। और अंदर में ये जो पर्दा बहुत बड़ा सा लगा है ना, यही वाला पर्दा खुलेगा तब अपन को जो अंदर में जो भगवान है वो दिख पाएंगे। और ऐसे जो पेटियां रखी हुई है दोस्तों, ये है दान पेटी, यहाँ पे दान पेटी में आप दान डाल सकते हो। और देखिए काफ़ी सारे भक्तगण लोग अभी मतलब ये अभी खुला नहीं है इनका जो पर्दा है दरबार है वो, और ऐसे ही माथा टेक के अभी घर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ दर्शकगण लोग हैं मेरे साथ में, और ये सभी बता रहे हैं कि ये जो सोलापुरी माता है इसको काफ़ी जगह माना जाता है हमारे जो देश भर में, हमारे जो इंडिया में वहाँ पे, और ये तो है अभी आंध्र प्रदेश से। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि हम सभी सोलापुरी माता के बारे में और जान पाए। अब वो कहाँ से? विशाखापट्टनम। अच्छा क्या होता है सोलापुरी माता का पूरा हिस्ट्री एक बार बताएंगे क्या? माता को क्या है, अपने ससुराल से उनको मायके लाया जाता है और उनको 16 श्रृंगार किया जाता है और उनको हर किस्म का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से मतलब चढ़ाने के लिए लेके आते हैं? सलवड़ी हो गया है, गारलू हो गया, ऐसा सब चीज़ चढ़ाते हैं हम लोग, जो जो आपके में पकवान होते हैं। जी। अच्छा तो आप लोग कब से मतलब ये आ रहे हो यहाँ पे? ये अभी हम लोग आ रहे हैं 2018 से आ रहे हैं। जी मतलब एकदम अच्छा लगता होगा यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम अपने मायके में आए टाइप का लगता है मैम। क्योंकि माता रानी खुद अपने मायके में। जी जी इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मेरा ये 4th साल है यहाँ पे। अच्छा बहुत अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया से होता है, मतलब 11 दिन का रहता है, 3 मई से चालू है, लेकिन आपको अगर पूरा देखना है तो आप रात तक रुकिएगा अभी, क्योंकि भीड़ यहाँ चालू नहीं है। माता का भी जो भोग लगेगा ना वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कार्यक्रम होता है, गाजे बाजे के साथ जब ला के वेलकम करते हैं, फिर माता का जो गेटअप डेली का चेंज होता है, अलग अलग गेटअप देते हैं उनको, जो उनका श्रृंगार रहता है वो डेली चेंज होता है अच्छे तरीके से, तो आप यहाँ रुकिएगा और अच्छे से देखिएगा। साइड देख पा रहे होंगे काफ़ी लोग आ रहे हैं, और आइए इनसे बातचीत करते हैं थोड़ा सा। आप लोग कब से आ रहे हो यहाँ पे? हर साल आते हैं ऐसे माता पूजा के, हर साल आते हैं। हाँ कैसा लगता है ये पूरा माहौल? बहुत अच्छा लगता है, पूरे अपने बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ देवी के दर्शन भी हो जाते हैं, एकदम मतलब श्रद्धा भाव भी हो जाता है, खेल कूद भी हो जाता है सब सब बच्चों को। कुछ इसी तरीके से जो माता रानी का जो हल्दी है वो ऐसे लगाया जाता है सभी को एकदम प्यार से, इस साइड भी सारे लोग लगाए हुए हैं, देखो भाई बहुत ही प्यारा सा माहौल हो चुका है पूरे पंडाल में। इस साइड देख पा रहे होंगे आंटी भी और मेरे भी लगाए गए हैं, यहाँ बच्ची के भी लगाए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे, सब कोई ऐसे ही पूरा बांट बांट के लगाते हैं इसको। ये देखिए भीड़ देखो पूरा पंडाल का, अभी शुरुआत में खाली था और अब इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका है, देखो पूरा एंड तक के भीड़ हो चुका है, और इस साइड अभी भी पर्दे नहीं खुले, सभी लोग एकदम इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने सोलापुरी माता होंगी। Yeah.
इतना ज्यादा भीड़ है भाई, हर जगह भीड़ ही भीड़ दिख रहा है। देख लो अभी इतना पूरा ग्राउंड फुल हो चुका है, जो एकदम खाली था उस टाइम में। और अभी बाहर जाके बात करते हैं। इतना खतरनाक भीड़ हो चुका है ना बाहर में तक, इतना ज्यादा भीड़ है। अभी लगा है यहाँ का असली माहौल, और अंदर तो सेम ऐसे ही भीड़ है, आपको दिखा चुकी हूँ। सोलापुरी माता गांव की देवता शीतला माता के रूप में से पूछते हैं। ये हमारे गांव के बाहर ससुराल में रहती है, वहाँ से हर साल मई में 9 दिन के लिए नवरात्र के रूप से माता का यहाँ पूजा किया जाता है। और 20 किलोमीटर बाल पुजारी लोग अपने सर के ऊपर रख के माता को पूरा गांव में चारों तरफ घुमाया जाता है। और हर जगह जगह में महिलाएं मुर्राटा हल्दी पानी और नीम के पत्ते से माता का स्वागत किया जाता है। और प्रतिदिन माता को 201 किलो का भोग चढ़ाया जाता है। और नवमी के दिन रविवार को महाभंडारा का कार्यक्रम होता है, जिससे श्रद्धालु भक्ति से अपना दान दक्षिणा देके वो 501 किलो का प्रसाद और 51 प्रकार के खाद्य पदार्थ माता को चढ़ाया जाता है। जितने लोग भी अभी आए हुए हैं, वो लोग के लिए दर्शन करने का क्या टाइमिंग है? उन लोग 8:30 बजे से रात को 12-1 बजे तक माता का दर्शन करते हैं। और सुबह का? सुबह का सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और पूजा अभी स्टार्ट हुआ है। मैं वीडियो निकाली और जल्दी से फिर बाहर आ गई, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं तो मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगी। और अगर आप यहाँ पे आते हैं सोलापुरी माता के दर्शन करने के लिए, तो थोड़ा शाम के टाइम में ही आइए, मतलब 8 बजे रात को आइए। 8 से 9-10 बजे ऐसे टाइम आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। भाई फटाका इतना ज़्यादा ज़बरदस्त फूट रहा है ना, यहाँ से थोड़ा सा बाजू जाके बनाती हूँ। और दोस्तों ये पूरा जो है साउथ इंडियन वाला जो कल्चर है वो है, बहुत सारे यहाँ पे पकवान वगैरह बनाए थे पूरे साउथ इंडियन वाले दिख रहे थे। वो सभी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़िया हूँ। और अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आपको अच्छा सा माहौल देखने को मिलेगा रात के टाइम में आएंगे तो। और ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।